अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते पशुपालक भाई, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, आज आपको बताऊंगा खुरपका रोग के विषय में। ये बीमारी अधिकतर बरसात में और गर्मी के मौसम में होता है। पशुपालक भाई, आजकल तो ऐसा हो गया कि सालों भरी बीमारी हो रहा है। इस बीमारी का आपको अंग्रेजी दवाई बता चुका हूँ अगले वीडियो में, लेकिन कुछ पशुपालक भाई हमारे कमेंट किए थे कि डॉक्टर कोई ऐसा दवाई घरेलू बताइए जो कि सस्ती हो, बिना पैसा का हो। पशुपालक भाई, आज दो दवाई बताऊंगा, घरेलू भी बताऊंगा और होमपैथ में भी दवाई बताऊंगा। खुरपका ये रोग कैसे होता है, ये विषाणु जनित रोग है, छुआछूत का बीमारी है। ये दूसरे मवेशी से दूसरे मवेशी में ठोकर लाया हुआ बीमारी है। लार से अगर दूसरी मवेशी लार को सूंघ लेगी तो बीमारी फैल जाएगा। पहले पशुपालक भाई, इसकी हम रख रखाव साफ सफाई के विषय में बता देता हूँ। पशुपालक भाई, आप जो बाड़ बनाए हैं, बाड़ को हमेशा डिटोल या फिनाइल के पानी से, बाल्टी में पानी लेकर फिनाइल का तेल गिरा दिया, डिटोल डालकर पूरा बाड़ को साफ रखना है। रोग जनित पशु, आप समझिए कि आपके गांव में बीमारी आ गया है, तो बीमारी आपकी जो रोग ग्रसित मवेशी है, जिस बीमारी आया है उसको आपके बाड़ में नहीं आने देना है, ना तो सारा मवेशी बाड़ में बीमारी फैल जाएगा। ये विषाणु जनित बीमारी है, ये इसका कीड़ा वायरस कीड़ा होता है। ये लार से या उड़कर भी उड़ जाता है, उड़कर के मवेशी अगर दूसरे बीमार गई मवेशी अगर आपके चारा दाना खा लिया, आपके स्वस्थ मवेशी चारा दाना खा लिए, तो बीमारी फैल जाएगी। ये छूत वाला बीमारी है पशुपालक भाई, खुरपका रोग। इसमें पशुपालक भाई, आप लोग को साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमेशा बाड़ को साफ रखना है, और उसके बाद में चारा दाना, अच्छा चारा दाना देना है, दूषित चारा दाना नहीं देना है। पर चलिए पशुपालक भाई, वीडियो शुरू करते हैं, आपको दवाई बताता हूँ। हमारे चैनल को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या डॉक्टर साहब दवाई बताए हैं। पशुपालक भाई, आपको रिफाइन का तेल होता है ना, वो तेल ले लेना है 50 ग्राम रिफाइन का तेल, या डालडा मिल जाए किसी भी कंपनी का, डालडा ले लेना है, डालडा ले लेना, उसमें से करीब 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम मरीच, खाने वाला काली मिर्च को पीस करके आपको मिला करके गाय या भैंस को पिला देना है। गाभिन है तब पर भी दूध दे रही है, तब पर भी किसी भी मवेशी कोई दवाई आपको पिलाना है, कोई भी डालडा ले लीजिएगा, रिफाइन ले लीजिएगा, उसमें 5 से 10 ग्राम मरीच डाल दीजिएगा, पीस कर मरीच, काली मरीच को डाल कर पिलाइए, छोटे बछड़ा बछड़े को उसको आधा डोज दीजिएगा। ये देने के किसान बंधु, आपका जितना भी बैक्टीरियल बीमारी है, बीमारी को मार देगा। देना है 3 रोज इस दवाई को, इसी तरह 3 रोज एक बार देना है, दिन में एक बार। ये तो आपको बता दिए घरेलू दवाई, अब बता रहा हूँ होमपैथ में। आर्सोनिक आता है, आर्सोनिक 200 पावर का, और दवाई आर्सोनिक के साथ में एक और दवाई ले लें, म्यूपूरियस 200 पावर का, 2 दवाई लीजिएगा, होमपैथ मेडिकल स्टोर पर मिलेगा। आर्सोनिक 200 ले लीजिएगा, म्यूपूरियस 200 ले लीजिएगा, दोनों को 10-10 बूंद दिन में 2 बार देना है, आधा घंटा के अंतराल पर दोनों दवाई देना है। दोनों दवाई दीजिएगा, आपका मौसी चारा दाना पर भी आ जाएगी, घाव जो मुंह में मुँह और पका खुर पका मुँह पका यानी खुर में भी घाव जाता है, मुंह में भी घाव जाता है, दोनों दवाई आप होमपैथ में है आप दीजिएगा तो खुर का भी बीमारी ठीक हो जाएगा, मुंह का भी बीमारी ठीक हो जाएगा। और एक और दवाई आपको बता देते हैं, लाल पोटास आता है, पोटासियम परगमनेट कहते हैं, उसको पानी में हल्का सुसुम पानी में डालकर उससे थोड़ा सा दवाई मुँह को और पैर को धोना है। अगले अंग्रेजी वीडियो में भी बता दिए, ये बहुत कीटाणु को मारता है, पोटासियम परगमनेट आता है और लाल पाउडर 5-10 रुपये में मिलता है, छोटा पैकेट में ले लीजिएगा, उसे पैर मुंह को धोइएगा, और ये जो घरेलू दवाई बताए हैं वो भी दीजिएगा। उसके बाद घरेलू दवाई दे करके भी होमपैथ में आप दवाई दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों दवाई चलाते रहिए। बार फिर आऊँगा किसी पशु संबंधित विषय में बता दवाई की बताऊँगा, होमपैथिक अंग्रेजी आयुर्वेदिक जो आप कहिए उसको बताता रहूँगा, आपको सुझाव लेता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।